Now let's see the types of acceleration. Types of acceleration. Types of acceleration में first type of acceleration होता है positive acceleration, ठीक है? First type जो है acceleration इसको क्या बोलते हैं positive acceleration. Positive acceleration means when change in velocity, ठीक है? When change in velocity of an object increases with respect to time. Okay, when change in velocity of an object increases with respect to time, then its acceleration is called positive acceleration. Okay, its acceleration is called positive acceleration. Example, there are many example, like आपने बाइक निकाली और बाइक निकाल के आपने एक्सेलरेटर घुमाया, तो एक्सेलरेटर घुमाना मतलब होता है एक्सेलरेट करना, तो आपकी बाइक क्या होगी, एक्सेलरेट होगी. इसका मतलब यह है कि पर यूनिट टाइम में वो ज्यादा स्पीड से चलेगी और ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, है कि नहीं? अगर आप घर से बाइक आपने बाइक चलानी स्टार्ट करी, आप 30 की स्पीड पे थे, 30 से 60 की स्पीड पे चले गए, तो 60 की स्पीड पे जब आप चले जाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, नहीं? ठीक है, तो आप अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे. इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी गाड़ी को क्या करा, एक्सेलरेट करा, अपने व्हीकल को क्या करा, एक्सेलरेट करा. तो इसको, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है. अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, आपने पहले तो आप जैसे आपने अपनी बाइक स्टार्ट करी, स्टार्ट करके आपने स्पीड दी 30 से 60 पर गए, अब आपको कहीं पर रुकना है तो क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे धीरे धीरे, ग्रेजुअली ब्रेक जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी. या मैं ये कहूँ कि जो आपकी चेंज इन स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन. ठीक है, तो जस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि when change in velocity decreases with respect to time. ठीक है, then acceleration of a body कह सकते हो, then acceleration is called negative acceleration. Then acceleration is called negative acceleration or retardation. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, negative acceleration और retardation. समझ में आ गई बात? तो positive acceleration तो क्या होगा आपका, positive acceleration होता है there is an increase in change in velocity. Okay, and negative acceleration means होता है there is a decrease in change in velocity with respect to time. तो इस तरह से positive acceleration, negative acceleration को retardation भी कहते हैं. Negative acceleration is known as retardation also. Okay, so these are the points related to acceleration. Now we finish all the terms related to rectilinear motion, distance, displacement, then speed, then velocity and acceleration. ये सारा हमने study कर लिया, ठीक है. तो ये हमारा term वाला जो topic चल रहा था, terms related to rectilinear motion, वो यहाँ पर आके finish हुआ, ठीक है.
अब नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस आपको बता रहा हूँ, वो आपको स्टडी करने, ठीक है? टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, इन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन कोई एक्चुअली नहीं होता, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट मोशन है, वो हम स्टडी करते हैं, डेफिनेशंस देखते हैं उनके, डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, फर्स्ट इज, अब ये जो भी टाइप्स हम स्टडी कर रहे हैं ये सारे किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन, तो सिंपली आप ये ध्यान रखें कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें कि वेलोसिटी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, एक ये तो आप सिंपली ध्यान रखना ही है, नोटिस में रखना है आपको, जहां भी यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ आ गया तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी जो होगी उसके मोशन में, वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, ये मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। और डेफिनेशन की जहां तक बात है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी यूनिफॉर्म मोशन की, व्हेन व्हेन अ बॉडी कवर्स, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवेल्स ऑफ टाइम, ठीक है, इन इक्वल इंटरवेल्स ऑफ टाइम, इंटरवेल्स ऑफ टाइम इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवेल्स ऑफ टाइम इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, ओके। सो व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवेल्स ऑफ टाइम इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन दिस मोशन, इस मोशन में क्या रहेगी, बॉडी की जो वेलोसिटी हो क्या होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। साथ ही आप इसमें एक पॉइंट और एड कर सकते हैं, जैसे यहां तो हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट की, इसी तरीके से व्हेन When a body covers equal distances, ठीक है, equal distances in equal intervals of time, okay, so when a body covers equal distances in equal intervals of time its motion is called uniform motion, क्या कहेंगे उसको, uniform motion में ही कहेंगे। अच्छा, इस केस में क्या चीज कॉन्स्टेंट होगी बताओ, एंड क्या कॉन्स्टेंट होगा, इसको कॉन्स्टेंट करोगे द स्पीड, क्योंकि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना, तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या चीज कॉन्स्टेंट होगी, स्पीड कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, समझ में आई आपको। और अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपको, जैसे मान लो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो आपसे डिस्टेंस पूछ लिया या टाइम पूछ लिया कि भाई इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है इसमें, फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बाद में जब डेरिवेशन कराऊंगा कुछ या न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इन नोट्स को मैं रेफर करूंगा, तो उस समय आप लोगों को आना चाहिए सब, ठीक है ना। तब जब मैं इन नोट्स को रेफर करूंगा तो आपको ये आना चाहिए फिर, ठीक है। तो समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो जो उसका मोशन है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। या वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो भी उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन ही कहेंगे। पहले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और दूसरे केस में जो है स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। सेकेंड जो है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अब जो आपकी स्पीड या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। समझ में आई बात। पहले वाले केस में तो क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी या स्पीड कांस्टेंट थी। अब सेकंड वाले केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी या स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, तो ये चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसे एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसको एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सिलरेटेड मोशन। डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन व्हेन, ठीक है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नहीं आपको यहाँ लिख के बताऊंगा, ठीक है। इंटरवल्स ऑफ टाइम, समझ में आई बात। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी है वो अपने स्ट्रेट लाइन मोशन जब वो कर रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो जो उसका मोशन होता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सेम आप डिस्टेंसेस के लिए भी लिख सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करें इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो भी जो मोशन होगा उसको क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार आपको पूरा नोट्स आपको लिख के बता दिए हैं। सिमिलरली आप आगे भी यू कैन राइट बाय योर ओके। सो दिस इज अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, और इसमें क्या होगा, स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब हो सकता है, तो देखो जो वेलोसिटी है ना बेटा, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में एक तो मैग्नीट्यूड होता है ना, और प्लस क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड होता है प्लस क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, ये जो वेक्टर, अब आप पढ़ के आए हो तो आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का उसको हम बोलते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी में कब कब चेंज हो सकता है, तो वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी कब चेंज होगी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्पीड, व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड चेंज होती है तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड मतलब, हाँ स्पीड मतलब क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा, यानी कि स्पीड जब चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। सेकंड थिंग क्या है, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज होती है, चेंज इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, चेंज इन बोथ, बोथ मतलब स्पीड, चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब जब भी वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लो ओनली स्पीड ही चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही,
तब भी वेलोसिटी चेंज होगी और मोशन कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे ही मान लो डायरेक्शन चेंज हो रही है पर स्पीड चेंज नहीं हो रही, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, आपने सुना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन करती है, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट होती है पर डायरेक्शन जो होती है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होती जाती है। तो वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब चेंज इन बोथ यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाए तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंपॉर्टेंट है। आगे जाके ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये मान लो आपका बेसिक चल रहा है अभी, जो कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी तक बात करी हमने यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब हम देख रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली, जैसे इसका नेम से ही आपको पता लग रहा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, इसमें कि एक्सेलरेशन जो है आपकी, एक्सेलरेशन जो है बॉडी की कांस्टेंट होती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, जिसमें बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। सेकंड, जो डेफिनेशन से बात की जाए तो डेफिनेशन में लिखेंगे हम कि इसको थोड़ा सेंटेंस को और करेक्ट करता हूँ, ठीक है, व्हेन अ बॉडी हैज, व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी, तो पोजीशन चेंज हो गया तो कांस्टेंट कैसे रह सकती है? ओके, सो व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सेंटेंस पूरा कर लेना आप, when a body has equal change in velocity in equal time intervals then its motion is called uniformly accelerated motion, and during uniformly accelerated motion, during this motion the acceleration remains constant. theek hai, during uniformly accelerated motion the acceleration remains constant. aur isse related bahut important point main aapko bata raha hu, most important point hai ki the equations of motion, ठीक है, equations of motion only applicable for uniformly accelerated मोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी करा होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है वो ओनली एंड ओनली किसके लिए एप्लीकेबल होती है, दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है या नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, आप करके आए हो, आई होप आना चाहिए आपको। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, सो दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई होती है जबकि जो
मोशन है वो कैसा हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, या जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो ड्यूरिंग अ जर्नी, जो एक कंप्लीट जर्नी है उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ, इसमें फोर्थ पॉइंट आपको बताते हैं। अब जैसे आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखा, तो अब इसमें देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फोर्थ टाइप जो है इसमें, फोर्थ टाइप है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ही नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या था इस केस में, व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अब यहाँ इस केस में क्या जाएगा, when a body has unequal change in velocity, unequal change in velocity in equal time intervals, in equal time intervals। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है अगर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी है उसकी ड्यूरिंग इट्स मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, तो जो मोशन उसका कहलाएगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ क्या होता है वो चेंज होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम, वेरिएबल हो जाता है, पहले तो क्या था कांस्टेंट था, इसमें क्या होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, आपको कोई इक्वेशन दे देते हैं जिसमें कि एक्सेलरेशन जो होता है वो टाइम के साथ क्या है, चेंज होता है ना, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, वो अपन करेंगे जब न्यूमेरिकल पोर्शन अपन सॉल्यूशन करेंगे, है ना, तो वहां मैं आपको बताऊंगा, है ना।